ये दो शब्द का इस्तेमाल आपके संभाषण में करो, आपको सफलता मिलेगी। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। जब हम लोगों के साथ में हैं, टीम में हैं, घर में, फैमिली में, परिवार में हैं, दोस्तों के साथ में हैं, तो जैसा मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं का इस्तेमाल मत करो, तब यहाँ बोल रहा हूँ फिर इस्तेमाल करना गएगा। तो फिर भाई हरदम आपने दो ये शब्द वापरते हैं कि मैंने आपके वजह से ऐसा हुआ। यू आर इम्पॉर्टेंट, आप महत्व के मेरे लिए है। लोगों की तारीफ करो, लोगों को बोलो नहीं आप थे करके ऐसा हो गया और आपने ऐसा ऐसा किया। मतलब जहाँ भी श्रेय लेने का कार्यक्रम है, जहाँ भी कुछ अच्छा हुआ है, तो नहीं बोलना कि आपने ये फलाना फलाना किया। तो लोगों को ऐसा अच्छा लगता है, उसमें लोगों को बहुत अच्छा लग जाता है, लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, लोग और जोर से काम में आते हैं, काम में लगते हैं। जब आपको कुछ करना है, लोगों को सवाल पूछो कि ऐसा कैसा संभव हो गया, आपने ऐसा किया। जब आप लोगों को सवाल पूछते रहते हैं, जब आप उनको सवाल पूछते हैं ना, तो वो बहुत ज़ोर से अपने बारे में बात करते हैं। नहीं, आपको इतनी सफलता कैसे मिलती है, आप ऐसा क्या करते हो कि आपको सफलता मिल जाती है, नहीं आप इतना प्रभावी संभाषण कैसे कर सकते हैं, नहीं आपको कॉन्फिडेंस इतना अच्छा कैसा है। जैसा आप लोगों को जब सुन, मतलब ऐसा बोलना उनको, जैसा करने के लिए प्रवृत्त करते हो, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोग आपके साथ में जुड़ जाते हैं, लोग लगते हैं कि अपने को कोई सुनने वाला है। तो आपका काम एक ही, जब आप लोगों के साथ में हो तो लोगों की तारीफ करो, लोगों को सवाल करो और उनको बोलने दो। जब वो बोलते हैं तो फिर वो बोलते बोलते काफ़ी उनका दिमाग भी हल्का हो जाता है, उनको लगता है कि अपने कोई सुनने वाला है, अपना मत सुनने वाला है, अपने को मान सम्मान देने वाला है। वो होने के बाद में फिर आपको जो भी बोलना है वो बोलो, तो आपको वो सुन लेगा। ये नंबर एक है कि भाई आपका इस्तेमाल बार बार करने का है, यू, आपने ऐसा किया। और नंबर दो, कुछ ऐसा मिलता है, कोई क्रेडिट मिलता है, कोई टीम का सक्सेस है, तो हरदम हमने ऐसा किया ये बोल। फिर अपने परिवार में हो, अपने कंपनी में हो, आप जहाँ काम करते वहाँ हो, ये बोलना है कि नहीं हमने एक साथ काम किया करके ऐसा हुआ, हमारा टीम जो स्पिरिट है, टीम स्पिरिट, उसने ऐसा हुआ, हमारी संस्था में हम इतना काम कर रहे करके हमको यश मिल गया, ये सब हम कर सकते हैं। जैसा आप इसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं हमने, हम सब मिलकर ऐसा ऐसा किया करके लोगों को ऐसा ऐसा सक्सेस मिला, या हमको ऐसा सक्सेस मिला, जब ऐसा बोलते तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो क्रेडिट जब लेने का है, तब बोलने का कि आपने किया, या टीम होंगी तो टीम को बोलो हम ऐसा करेंगे क्या, लोगों को पूछो कुछ करना है तो क्या करना है, सबको एक साथ में बिठाओ, बोले अपने मन का करने का है, डिसीजन आपने पहले ही किया हुआ है कि नहीं मेरे को ये करना है, मुझे ये फलाने फलाने चीज टीम में लाने की है या मेरी कंपनी में लाने की है, कुछ बोलने का नहीं है। सबको एक इकट्ठा जमा करो, उनको सवाल करो, और हमको जो चाहिए उनके मुंह से आना चाहिए, वो बोल रहे। होता क्या है कि उनका एक स्पिरिट बन जाता है कि नहीं हमने सबने ऐसा सुझाव दिया करके ऐसा हो रहा है। भले ही उनको वहां तक लेके जाओ कि उसका जवाब आपको जो चाहिए वो मिलेगा, मगर उनको फिर क्या होना, उनको ऐसा लगे नहीं हमने सुझाव दिया करके ऐसा हो गया, ये हमारा सबका निर्णय है। और उनको एक स्पिरिट में काम करने का मौका मिलेगा, उनको जोश आएंगे और वो काम करेंगे। तो दो शब्द ये है कि जो भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम है, तो नहीं मैंने किया, श्रेय लेना है, क्रेडिट लेने का है, तो नहीं आप सब ने किया, आपने किया या मैंने किया। तो ये दो शब्द का इस्तेमाल करो, आप और हम, ये करते तो आपकी आपका संभाषण जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके रिश्ते हो जाएंगे, आप रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन हो जाएगा और आप एक सफल इंसान बन पाओगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।